सहारनपुर में महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष में भव्य शोभा यात्रा निकालने के लिए आज हजारों की संख्या में समाज के युवा गांधी पार्क पर एकत्र हुए, जिसके बाद गांधी पार्क से शुरू होकर शोभा यात्रा नगर के विभिन्न स्थानों से होती हुई महाराणा प्रताप भवन पर जाकर संपन्न हुई, जहां पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। किस उपलक्ष्य में निकली जा रही है? महाराणा प्रताप जन्मोत्सव के 483वीं जयंती है जी, उसके उपलक्ष्य में गांधी पार्क से महाराणा प्रताप भवन से निकाली जा रही है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस हम ये कहना चाहते हैं कि अपने समाज में एकता बनी रहे और अनुशासन और हर चीज से सही रहे। किस कौन कौन इसमें आप लोग इस संस्था में शामिल है इस समय? चिलकाना थाना क्षेत्र के पठेड़ में जमीन के मामले में दर्शन लाल सैनी के घर पहुंची पुलिस पर महिलाओं के साथ अभद्रता करने का लगा आरोप, जिसको लेकर सैनी समाज में भारी रोष। आपको बता दें कि बीते कल थाना चिलकाना क्षेत्र के पठेड़ चौकी पर तैनात एक दरोगा पर लंबे समय से चली आ रही जमीनी विवाद में दूसरे पक्ष का कब्जा कराने का आरोप और घर में घुसकर बिना महिला पुलिसकर्मियों सहित महिलाओं के साथ बदतमीजी व अभद्रता करने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर सैनी समाज के लोगों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अभद्रता करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। थाना चिलकाना में गांव पड़ता है गोर्धनपुर ढुलानी, पुलिस चौकी पठेड़। गोर्धनपुर ढुलानी के अति सम्मानित परिवार के हम सैनी समाज के श्री दर्शन लाल सैनी, जो प्रगतिशील सैनी सभा के ब्लॉक सरसावा के अध्यक्ष भी हैं, दिनांक 5/5/2023 को पठेड़ पुलिस चौकी के इंचार्ज धीर सिंह दरोगा जी बिना किसी महिला कांस्टेबल के सीधे ज़बरदस्ती दर्शन लाल सैनी के घर में घुसते हैं और उनके साथ और उनकी धर्मपत्नी के साथ अभद्र व्यवहार के साथ साथ मारपीट करते हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। साथ ही उनकी ज़मीन पे विरोधी पक्ष का नाजायज रूप से जबरन कब्जा कराने का उन्होंने प्रयास किया। जिस ज़मीन पर न्यायालय में विवाद चल रहा है, जिसमें अभी फैसला आना है, उससे जबरन आपकी ट्राली हटाई गई है और धमकी इनको दी गई है कि आप यहाँ ट्राली नहीं खड़ी करेंगे। दरोगा धीर सिंह के इस कृत्य से पूरे सैनी समाज में रोष है और उनके इस कृत्य की सैनी समाज निंदा करता है। आज हम ज्ञापन के माध्यम से श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर से मिलने आए हैं। इत्तेफाक से जिला ओलंपिक संघ, जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति, मां शाकंभरी विश्वविद्यालय एवं जेवी जैन कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले मिनी ओलंपिक गेम्स को लेकर आज एक बैठक का आयोजन जैन डिग्री कॉलेज में किया गया, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष, जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष व पूर्व विधायक संजय गर्ग ने बताया कि सहारनपुर में चतुर्थ मिनी ओलंपिक खेलों का आयोजन 14 से 20 मई को सहारनपुर में किया जा रहा है, जिसमें वीर खेलों में खिलाड़ी प्रतिभाग कर अपने खेल का शानदार प्रदर्शन करेंगे। ये जिला ओलंपिक संघ, जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति, मां शाकंभरी विश्वविद्यालय और जेवी जैन डिग्री कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में एक गत वर्षों की भांति चतुर्थ मिनी ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है, जो स्टेडियम में जिसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी 14 तारीख को और 20 तारीख को उसका समापन समारोह होगा जैन डिग्री कॉलेज में। और इसमें 20 खेलों का आयोजन है। उन 20 खेलों के खिलाड़ी जो मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और जो ओपन कैटेगरी में है, ये ओपन टूर्नामेंट है जिसमें किसी भी स्कूल या कॉलेज के अलावा भी कोई अगर पार्टिसिपेट खिलाड़ी करना चाहता है तो वो इसमें करेगा। और जो अलग अलग 20 खेलों की एसोसिएशंस हैं, उन एसोसिएशंस के सभी पदाधिकारी इसमें साथ में लगे हुए हैं और उन्हीं की देखरेख में ये कार्यक्रम होगा, खेल के प्रोत्साहन के लिए और उसका एक वातावरण बनाने के लिए। जो खेलो इंडिया का की योजना है, उसी के तहत इस आयोजन को करने का मकसद बच्चों में खिलाड़ी की भावना के साथ साथ खेल को प्रोत्साहित करना है। इसमें हमारे जो स्पोर्ट्स अफसर हैं उनका विशेष। सहारनपुर में गौमूत्र से बना फिनाइल और गाय के गोबर से बनी खाद व अन्य उपयोगी उत्पाद अब आपको आपके क्षेत्र और गली मोहल्ले में सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। इसके लिए नगरायुक्त ने आज नगर निगम से हरी झंडी दिखाकर एक वाहन रवाना किया। आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा नवादा रोड पर संचालित श्री कान्हा उपवन गौशाला में 400 से अधिक गौवंश का पालन पोषण हो रहा है।
इस अवसर पर अपर नगरायुक्त राजेश यादव, नगर निगम के पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा आदि मौजूद रहे। वर्मी कंपोस्ट, पुपले, मूर्ति एवं हवन सामग्री इत्यादि 50 गाड़ी के टिकट आइए और उचित मूल्य पर खरीद कर ले जाइए। गाय के शुद्ध गोबर एवं गौ मूत्र से निर्मित उत्पाद जैसे हवन सामग्री, मूर्ति, पुपले, वर्मी कंपोस्ट, फिनाइल और दिए। हमारी प्रचार गाड़ी के अतिरिक्त ये सभी उत्पाद आप इस पते से भी खरीद सकते हैं। मां शाकंभरी कान्हा उपवन गौशाला, वार्ड संख्या 9, ग्राम सावलपुर नवादा, जिला सहारनपुर। हम आपके सुखद व स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। सहारनपुर में स्पिक मैके द्वारा डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर कन्वेंशन के सहारनपुर चैप्टर के अंतर्गत दिल्ली पब्लिक स्कूल के तत्वाधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्पिक मैके पिछले 46 वर्षों से भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य, लोक कलाएं, हस्तकला, रंगमंच आदि को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा व्यावसायिक संस्थानों आदि में अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के महान कलाकार अपनी प्रस्तुति देकर हमारी अजर अमर भारतीय संस्कृति की झलक दिखलाते हैं।